देखिए भैया, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। कल मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था वेक्टर। वेक्टर नहीं है, मोशन द प्लेन नाम है। मैंने बताया था कि हमारे पास तीन तरह की मोशन होती है। एक वन डायमेंशन मोशन होती है, एक टू डायमेंशन मोशन होती है, एक थ्री डायमेंशन मोशन होती है। एक थ्री डायमेंशन मोशन होती है, ठीक है। वन डायमेंशन में केवल बॉडी एक एक्सिस के अलोंग चलती है, या तो एक्स या वाई या जेड। टू डायमेंशन मोशन में बॉडी क्या होती है, एक ही टाइम पर दो दो एक्सिस चेंज होते हैं। और ऐसा जब भी पॉसिबल हो सकता है जब बॉडी आपकी कहाँ पे चल रही हो, प्लेन पर। कहाँ चल रही हो? और थ्री डायमेंशन मोशन में यहाँ पर एक ही टाइम पर तीनों एक्सिस चेंज होते हैं। और ऐसा जब भी पॉसिबल हो सकता है जब बॉडी आपकी कहाँ चल रही हो, स्पेस में। याद है, ये तीन तरह की मोशन थी, वन टू और थ्री डी। ये जो चैप्टर है ये टू डी टू डायमेंशन मोशन का है, यानी यहाँ पर चीजें हमेशा क्या होगी, प्लेन पर चलेगी। कुछ ऐसे भी केस आएंगे जहां पर थ्री डी आपको लिखेगा, लेकिन बाकी आम है मोस्टली चीजें क्या, टू डी है। मतलब आपकी प्लेन पर चलेगी, दीवार पर चलने वाला केस है। समझ गया? तो चैप्टर का नाम है भैया वेक्टर, मतलब ये मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का मतलब है भैया, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये है आपका वाई कोऑर्डिनेट। जब बॉडी आपकी ऐसे चलती है तो ये प्लेन है। इसे क्या कहते हैं भैया, प्लेन। प्लेन पर यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू भी क्या है, जीरो। लेकिन यहाँ पर आओगे तो एक्स की वैल्यू कुछ और रहेगी और वाई की वैल्यू कुछ और होगी, और आगे जाओगे तो एक्स की वैल्यू कुछ और वाई की वैल्यू कुछ और। आप देख रहे हो एक ही टाइम पर सारी चीजें चेंज हो रही है। टी वन टाइम पर ये था, टी टू टाइम पर ये हो जाएगा एक्स वाई, और टी थ्री टाइम पर ये हो जाएगा एक्स वाई, है ना। यहाँ पर प्लेन पर चलने पर एक ही टाइम पर टी टू टाइम पर एक्स की वैल्यू क्या, एक्स वन, वाई की वैल्यू वाई वन होगी। चेंज हुई ना दोनों, पहले जीरो जीरो थी। टी थ्री टाइम पर क्या हुआ, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स थ्री, और वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई थ्री। टी थ्री टाइम पर दोनों की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो जब एक ही टाइम पर दोनों दो दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, तो उस तरह की मोशन को हम टू डी मोशन या मोशन इन अ प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन इन अ प्लेन कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था भैया वेक्टर, हमें क्या पढ़ना है भैया वेक्टर। सबसे पहले स्केलर की बात करते हैं, तो स्केलर क्या था याद है आपको, जिसके पास केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड, ठीक है भैया, नो डायरेक्शन। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कोई नामो निशान नहीं हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं भैया, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और ये क्या होती है भैया इनमें, हाँ स्केलर क्वांटिटी ध्यान रखना भैया। हाँ हाँ एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल हो गया मास, टेम्परेचर और लेंथ एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें जो है, ठीक है भैया, वो स्केलर क्वांटिटी कैटेगरी में आती है। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपको सम करना है, इन ऐसी क्वांटिटी का सम करना जो कि स्केलर है, तो आप नॉर्मली इनको ऐड कर सकते हो। मान लीजिए चार्ज भी क्या है, चार्ज भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज, चार्ज जान दो ना, चार्ज भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। मान लीजिए ये बॉडी है, इसके अंदर एक चार्ज क्यू वन है, दूसरा चार्ज क्यू टू है, तीसरा चार्ज क्यू थ्री है, चौथा चार्ज क्यू फोर है। तो मैं बोल रहा हूँ इस बॉडी के अंदर कुल कितना चार्ज है, तो आपको इन चार्जेस की पोजिशन से कोई मतलब नहीं है। सीधा क्या करोगे आप, इनको ऐड कर दोगे। तो क्या होगा बेटा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर, ये क्या आ गया भैया, टोटल चार्ज आ गया इस बॉडी के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि स्केलर है, स्केलर में आप कोई गणित नहीं लगाते, सीधा जोड़ देते हो, ठीक है। ये एक बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारा मास है, एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर। आपको टोटल मास निकालना है, आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि इनकी पोजीशन क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, ठीक है, किस एंगल पर है, डायरेक्शन वगैरह से कोई मतलब नहीं है। कुल मास निकालना, तो क्या करोगे, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर, सबको ऐसे जोड़ दो, क्योंकि ये स्केलर है, ठीक है। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनका एडिशन क्या होता है, ये डायरेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड को ही आपको देखना है। और अगर इनको चेंज करना है तो आप केवल इनके नंबर से चेंज कर सकते हो। देखिए भैया, मैंने बोला स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड, क्या होता है, विद सम यूनिट, कोई भी यूनिट हो सकती है। तो अगर आपको चेंज करना है स्केलर क्वांटिटी को, तो केवल आपके पास केवल एक जरिया है, बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आप स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू, स्केलर क्वांटिटी को चेंज करना चाहते हो, तो आप सीधा उसके मैग्नीट्यूड को क्या करें भैया, चेंज कर दो, फोन ला दे, फोन दे, दे फोन, यहां रख दे, ठीक है।
समझ गए भैया। तो ये स्केलर क्वांटिटी को अगर चेंज करना है तो आप क्या करो, उसके सीधा मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट एडिशन होता है, समझ गए। चलो अब आते भैया, अब बात करते भैया ये जो वेक्टर क्वालिटी है उसके बारे में, पूरा चैप्टर ही वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जिसके पास क्या हो भैया, मैग्नीट्यूड, दूसरा और डायरेक्शन, एक और चीज थी भैया, अभेदी वेक्टर लॉ ऑफ। अब ये क्या है? तो भैया ये तो जानते होगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तीसरी बात देखिए भैया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करिए। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है? देखिए भैया बड़ा बेसिक्स है, इसके बारे में बता रहा हूं मैं, इसी के बारे में केवल। मान लीजिए आपने दो फोर्स को सेम डायरेक्शन में लगाया, F1 F2 फोर्स है, इनको लगा तो रिजल्ट क्या आएगा? F1 प्लस F2, सब जानते हैं भैया, यही रिजल्ट आएगा ना। जब दो फोर्स किसी बॉडी पे एक ही डायरेक्शन में लगते हैं तो उन दोनों का जो कुल वैल्यू होती है वो उन दोनों के सम के बराबर आती है, सबको पता है। ठीक है, फिर दूसरे केस में आपने क्या किया, इन्हीं दो फोर्स को, एक फोर्स को इधर लगा दिया और एक फोर्स को इधर लगा दिया, F2 से। मैंने कह दिया F1 F2 से क्या है, ज्यादा है, F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा है, तो रिजल्ट कहां पे जाएगा, इधर जाएगा, ये रिजल्ट रहेगा। और रिजल्ट की वैल्यू क्या रहेगी, F1 माइनस F2। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, तीसरे केस में इन दोनों ब्लॉक, ये दोनों फोर्स को कुछ एंगल पे लगा दिया, F1 ये रहा और F2 ये रहा, और इनके बीच में कुछ एंगल है, अब रिजल्ट क्या होगा, कुछ और ही आएगा। तो यहां पर रिजल्ट क्या आ रहा है भैया, दो फोर्स है, तीनों केस में वही दो फोर्स है, बस इन दोनों, इन तीनों कंडीशन में मैंने फोर्सेस की क्या किया, एंगल को चेंज किया। क्या किया? तो हमने देखा कि ना, एंगल को चेंज करने पर जो इनके रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग आ रहे हैं, वही तो फोर्स है, लेकिन अगर इनके बीच के एंगल को चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। जिन क्वांटिटीज में रिजल्ट आपका बदल जाता है एंगल को चेंज करने पर, ऐसी क्वांटिटी क्या करती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। समझ गए भैया, तो यहां पर लिख देता हूं साधारण से डेफिनेशन में, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी, क्वांटिटीज जिनका रिजल्ट, जिनका रिजल्ट एंगल चेंज करने पर, एंगल चेंज करने पर बदल जाता हो ऐसी क्वांटिटी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करती है भैया, एडिशन को फॉलो करती है। समझ गए भैया, ऐसी क्वांटिटी इनका रिजल्ट जो होता है वही तो क्वांटिटी है, लेकिन बार बार एंगल चेंज कर रहे हो, रिजल्ट क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। स्केलर में ऐसा नहीं होता, कहीं पर भी रखो, कुछ भी रखो, किसी भी एंगल तो होता ही नहीं है उस केस में, क्योंकि एंगल हमेशा दो डायरेक्शन के बीच में बनता है, किसके बीच में बनता है, और भैया स्केलर के पास डायरेक्शन तो एंगल भी। समझ गए भैया, तो रिजल्ट तो एक जैसे ही रहेगा। ठीक है भैया, ये चीज ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, फिर ये डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन है कि ऐसी क्वांटिटी इसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ साथ में क्या ओबे करती हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या होता है कि एंगल चेंज करो तो उनका रिजल्ट क्या हो जाए, चेंज हो, ऐसी क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। ठीक है भैया, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े, बता दू, अब देखिए, अब बात करता हूं भैया जो डायरेक्शन होती है किसी वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट, या रिप्रेजेंटेड बाय,
डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी गिवन बाय, पहला भी है देखिए, आपको पता है कोऑर्डिनेट कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके, तीन, एक्स वाई और जेड, है ना। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी एक्स की डायरेक्शन में है, ठीक है भैया, तो उसके डायरेक्शन को हम लिखेंगे आई कैप, क्या लिखेंगे आई कैप। कोई वेक्टर क्वांटिटी वाई के डायरेक्शन में तो उसको किससे लिखेंगे जे कैप, और कोई वेक्टर क्वांटिटी जेड के डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे। अच्छा, कोई वेक्टर क्वांटिटी यहां पर होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके पास आई भी होगा क्योंकि प्लेन है, और प्लेन में दो दो कोऑर्डिनेट होते हैं, तो यानी दो दो डायरेक्शंस होंगी, तो यहां पर क्या होगा आई कोमा जे कैप, यहां के डायरेक्शन के बारे में। यहां पर जो अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो उसके पास आई जे दोनों होगा, यहां पर कोई पॉइंट है तो बताइए कैप ही लगेगा, कैप 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 मतलब ऐसा होता है ऐसा, ठीक है। यहां पर क्या होगा भैया, किसके बीच में, ये जे और के बीच में, तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी उसके पास जे और के डायरेक्शन होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वांटिटी है तो आई और के, समझ गए, प्लेन में दो दो, स्ट्रेट लाइन पर एक एक डायरेक्शन, और स्पेस में क्या होगा, अगर कोई क्वांटिटी स्पेस में है तो, स्पेस में होगी तो क्या होगा, इसके पास आई भी डायरेक्शन होगी, जे भी डायरेक्शन होगी, और समझ गए भैया, प्लेन में दो, स्ट्रेट लाइन में एक, प्लेन में दो दो डायरेक्शन, और स्ट्रेट स्पेस में तीन डायरेक्शन। ध्यान दीजिए भैया, फोन रख दो भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, ध्यान दीजिए, ये मैंने बता रखा था आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ वेक्टर। देखिए वेक्टर के पास कितनी चीज होती है मुझे पता है, कितनी चीजें होती है, फॉलो किसको करते हो छोड़ो, वेक्टर के पास कितनी चीज होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या होती है भैया, डायरेक्शन। अब एक बात और ध्यान रखना कि हम वेक्टर को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो नोट में ध्यान रखना, वेक्टर क्वालिटी कैन बी चेंज, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी चेंज बाय फर्स्ट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, सेकेंड बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी लिखवाया था, क्या लिखवाया था, मैंने कहा था एग्जाम्पल में दो न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, दो न्यूटन टूवर्ड्स वेस्ट, बताओ क्या दोनों क्वांटिटी सेम है, क्या दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम है, क्यों, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये क्वांटिटी नंबर फर्स्ट थी और ये क्वांटिटी नंबर सेकेंड, क्वांटिटी नंबर फर्स्ट क्वांटिटी नंबर सेकेंड के बराबर नहीं, ड्यू टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग होने की वजह से दोनों क्वांटिटी क्या हुई, अलग हो चुके। अब देखिए पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चार न्यूटन टू वर्ड्स टू आई क्या, दस न्यूटन टू जे क्या, आई क्या लिखो, आई क्या, ये दोनों क्वांटिटी सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट है क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है भैया, सेम तो है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। क्वांटिटी क्यू वन, ये क्यू वन क्वांटिटी है और ये क्या भैया क्यू टू क्वांटिटी, ठीक है। मैंने आप, हाँ तो ये क्या, क्यू वन इज नॉट इक्वल्स टू क्यू टू ड्यू टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, समझ गया भैया। तो रिप्रेजेंट, और फिर मैंने बताया था आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करो, तो क्या भैया, एरो ऑन हैंड, अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके सर पे क्या लगाना है आपको, एरो, इफ ए इज वेक्टर क्वांटिटी तो इसका मतलब क्या होगा, ए के ऊपर क्या आएगा भैया, एरो, ऐसा, इफ
बी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या होगा बी के ऊपर क्या आएगा, समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ये चीज से। फिर उसके बाद आते हैं भैया, बताओ तुझे फिर अगला है आपका टॉपिक क्या अभी। हाँ, अब देखिए भैया मैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक करा रहा हूँ आपके लिए ताकि चीजें समझ में आ जाए। टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है, मैंने आपको बताया वेक्टर के पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर के पास कितनी चीज होती है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर ए आपका वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें पहले ये भी देख लो, सीख लो, सुन लीजिए। ओ भाई देख ली प्लीज सर, बोले गए में मैग्नीट्यूड को नॉर्मली इफ ए इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, क्या होगी भैया, ए एरो, समझिए भैया, अगर ए आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता है इसकी रिप्रेजेंटेशन ही होगी। इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को लिखना है आपको या तो ऐसे या ऐसे। अगर ए आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका रिप्रेजेंटेशन तो वैसे होगा, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, या तो ऐसे लिखो या ऐसे, मैं तो हमेशा ऐसे लिखता हूँ, समझिए। और इसके डायरेक्शन को, डायरेक्शन को लिखने का केवल एक तरीका है, ए क्या, समझ गया भैया, ए आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, ऐसे, और उसकी डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, ऐसे। सो ए वेक्टर इक्वल्स टू में मैग्नीट्यूड एंड, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, तो ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, समझ गया। इफ बी इज वेक्टर क्वांटिटी, अगर बी आपका क्या है, बी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे लिखेंगे उसको, बी वेक्टर इक्वल्स टू में उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को कैप्स लिख दिया, समझिए भैया। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करोगे एरो से, उसके मैग्नीट्यूड को इससे और उसकी डायरेक्शन को इससे। इससे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड को, लेकिन थोड़ा बड़ा ही क्यों लिखे, तीन लाइनें फालतू खींचनी पड़ रही है, ठीक है, चलो समझ गया। अब आते भैया टाइप ऑफ वेक्टर पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, टाइप ऑफ वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक चुप रह, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अपने को पता अपने पास कितने डायमेंशन है, तीन डायमेंशन है। अगर वन डायमेंशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, ध्यान दीजिए भैया, वन डी वेक्टर, वन डी वेक्टर, अगर आपको केवल वन डायमेंशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना तो कैसे, वन डायमेंशन वेक्टर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, या तो एक्स पे होगा या वाई पे होगा और या जेड पे होगा, है ना, प्लेन पे तो नहीं हो सकता ना, स्पेस पे तो नहीं हो सकता, प्लेन पे हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, टू डी, और स्पेस में हो जाएगा तो थ्री डी। तो वन डायमेंशन में क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, या तो एक्स के लोंग या वाई के लोंग, या ये एक्स के लॉन्ग है, एक्स की डायरेक्शन को हम किससे लिखते हैं, आई कैप से। और इस वेक्टर के पास जो मैग्नीट्यूड है वो दो है, क्या है, दो। तो भैया कैसे लिखो, मान लीजिए ए वेक्टर, मान लीजिए इस वेक्टर का नाम मैं रखूंगा ए वेक्टर, क्या रखूंगा, ठीक तो ए वेक्टर को कैसे लिखूंगा, इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड क्या है भैया, दो, क्या है, और डायरेक्शन कहाँ है, आई क्या है, हो गया वन डायमेंशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड दो, डायरेक्शन आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, चार, बताओ ये बी वेक्टर है, मान लीजिए मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, चार, और डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड चार और डायरेक्शन, कोई ठीक दिक्कत तो नहीं है। तो ये वन डायमेंशन वेक्टर है, इनको आप सीधा सीधा देख के बता सकते हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, समझ गए। अब आते भैया टू डी वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, किसी को दिक्कत हो तो बता दो मुझे, दिक्कत है तेरे को, तो बोल क्यों रहा फिर, नहीं चलिए एक और लिख देता हूँ, सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है,
तो बताओ मैग्नीट्यूड क्या इसका, 6, और डायरेक्शन क्या है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं बड़ा है ना? तो इस तरीके से 1D वेक्टर कहते हैं। 1D वेक्टर मतलब जो केवल एक एक्सिस के अलोंग हो, जिसकी केवल एक डायरेक्शन, समझ गए बेटा? चलो भैया आगे बढ़े, मिटा दो इसे। फिर आते हैं 2D वेक्टर पे, इस पे आते हैं 2D वेक्टर, दो डायमेंशनल वेक्टर। और 2D वेक्टर कहां मिलेगा बोल पे गुलगुले? प्लेन पे, पूछा मैंने 3D के बारे में, बता रहा है एडवांस चल रहा है। एक्स वाई, 2 3, ये किस टाइप का वेक्टर होगा? 2D। क्यों है? क्योंकि ये प्लेन पर बना है। किस पे बना है? ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ओ और ये क्या भी है, ए, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर को कैसे लिखे, ओ ए वेक्टर को कैसे लिखे? तो एक्स की कुल वैल्यू कितनी, यहां पर जो ये वेक्टर गया है वो कहां से गया? 0 से लेकर ओरिजिन क्या होता है, 0,0 होगा ना, 2,3 तक गया। तो इसमें एक्स की वैल्यू में कितना चेंज आया? 2 माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं मैं। तो एक्स की फाइनल वैल्यू क्या है? 2। एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। तो 2 माइनस 0, ये वेक्टर जो है उसका एक्स के अलोंग मैग्नीट्यूड इतनी है और एक्स के अलोंग डायरेक्शन क्या, आई क्या था, ठीक है। फिर आते हैं वाई के अलोंग, इस वेक्टर में वाई का कितना कोऑर्डिनेट है, चेंज कितना है, कुल चेंज बताना आपको। 3 माइनस 0, 3 ही आएगा। तो ये क्या होगा, 2i क्या प्लस 3j क्या, ये ओ ए वैक्टर आ गया। ये किस टाइप का वैक्टर है? 2D वैक्टर। कैसा है? कैसे पता? इसके पास दो दो डायरेक्शन है, जिसके पास दो डायरेक्शन, तो अब कौन सी डायरेक्शन की बात करूं मैं, कैसे निकालू डायरेक्शन? तो भैया ऐसे वैक्टर्स की डायरेक्शन हमेशा एंगल के टर्म में निकाली आती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो भैया इसकी लंबाई होगी, ध्यान दीजिए मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो भैया इसकी लंबाई, इस वेक्टर की जो लंबाई है यहां से यहां तक की, वही इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। कैसे निकलेगा वो, बड़ा सिंपल तरीका है। अब एक स्ट्रेट लाइन की लंबाई कैसे निकलती है, एक्स टू माइनस का होल स्क्वायर प्लस, यही से तो निकलती है मैग्नीट्यूड, इसकी लंबाई। तो भैया कैसे, एक्स टू क्या है भैया, 2। एक्स वन क्या है, वाई टू क्या है भैया, ये जाएगा भी आपका 4, और ये क्या होगा, 9 अंडर रूट 13, ठीक है। मैग्नीट्यूड आ गया, या ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मली। आप देखो एक्स के साथ कितना लगा है, 2, वाई के साथ कितना लगा है, तो ओ ए का मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाल सकते जा सकता है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। मैं हर बार यही इस ऐसे ही निकालूंगा, जैसे आप निकाला ना, हमेशा ऐसे निकालूंगा, इसका इस्तेमाल कम करूंगा, इसका इस्तेमाल कम करूंगा, आप भी कम करना, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये मैं डायरेक्शन कैसे निकालिया, तो मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ 2D वेक्टर कैन बी रिटन है इन टर्म्स ऑफ एंगल। जो 2D वेक्टर होते हैं उनकी डायरेक्शन को हमेशा एंगल के टर्म में लिखा जाता है। किसके टर्म में लिखा जाता है, एंगल के टर्म में। 1D वेक्टर का हमेशा एंगल क्या होगा, 0 या 90 या, हाँ 90, 0 या 90 होगा। जैसे मैं बोलू 2i कैप, क्या बोलू, 2i कैप, तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 2, और डायरेक्शन क्या है इसकी, आई के साथ आई कितना एंगल बनाएगा, 0, समझ गया। मैंने 2j कैप लिख दिया, क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड क्या है इस वेक्टर का, 2, लेकिन डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, समझ गया। ठीक, ध्यान रखना, खैर उसमें उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ पे ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड निकालना आ गया 2D वेक्टर का, डायरेक्शन कैसे निकाली है, तो मैंने बोला एंगल के टर्म में निकालते हैं। किसके टर्म में निकालते हैं, एंगल के टर्म में। मैं यही लिखूंगा, डायरेक्शन ऑफ 2D वेक्टर। तो कैसे निकाला भैया, तो अपने को पता है ये कुछ एंगल बना रहे हैं यहां पे, यही एंगल इसकी डायरेक्शन है, थीटा एंगल इज द डायरेक्शन ऑफ 2D वेक्टर, थीटा निकालना।
अब ये कैसे निकाला है, थीटा कैसे निकाला है? तो अपने को पता है ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल क्या बन रहा है जिसका बेस क्या है एक्स है और हाइट क्या है वाई है। एक्स की वैल्यू कितनी है इस वेक्टर के पास, 2, और वाई की वैल्यू क्या है, खत्म हो गया, आंसर आ गया। थीटा में से निकालना है टैन की टर्म में, क्योंकि तो आपको परपेंडिकुलर और बेस ही पता है, एक्स बेस है, परपेंडिकुलर क्या है भैया वाई है, तो परपेंडिकुलर कौन में बेस, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है भैया वाई है और बेस कौन है भैया एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है इस ट्रायंगल में, 3, और एक्स की वैल्यू कितनी है, थीटा क्या हो गया टेन इनवर्स 3/2, कोई दिक्कत तो नहीं है आगे डायरेक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है 2D वेक्टर का। ऐसे ऐसे अगला मैं कर रहा हूं, OB वेक्टर क्या होगा भैया बताइए, OB वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, क्या है देखिए भैया, OB वेक्टर बराबर में एक्स में कितना चेंज आया, 4 चेंज आया, 4 आई क्या, वाई में कितना चेंज आया -5, क्योंकि हमेशा फाइनल ये जो हेड वाला होता नहीं हेड, इसे कहते हैं हेड, ये फाइनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये टेल कहते हैं इसको, ये इनिशियल को रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हो ना, वाई का कितना चेंज आया तो -5, ठीक है भैया ये वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। किस टाइप का वेक्टर है भैया, 2D 1D, 2D साफ दिख रहा है 2D। मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया, तो इसकी लंबाई निकालो, तो आपको याद है 4 का स्क्वायर और 5 का, -5 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा भैया आपका 41, या इसकी लंबाई निकाल लो यही आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस स्ट्रेट लाइन की लंबाई निकालो क्या, और 4 -0 का होल स्क्वायर -5 -0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में क्या होगा, यही आएगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एंगल की टर्म में है, यार मुझे पता नहीं लगता, मैं इतना पढ़ाता हूँ कि टाइम के ही नहीं पता लगता मुझे, डेडिकेशन है टूवर्ड्स यू, किसको सुयश बक्कलदार, ये लड़का नहीं पढ़ेगा, माँ बाप को धोखा दे रहा है ये, मुश्किल क्यों गया खेलने तू बदतमीज जाहिल। थीटा 2D वेक्टर का जो एंग डायरेक्शन होती है किसकी टर्म में निकाली जाती है, थीटा। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है बड़ा प्यारा सा, देखो इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, आपको पता है टेन की फॉर्म में निकाला जाएगा, वाई अपॉन में एक्स, परपेंडिकुलर क्या भैया वाई है और बेस क्या है एक्स है, वाई की वैल्यू क्या है भैया 5 लिखना है, -5 नहीं लिखना है, पर हाइट यहाँ पर साइड की लंबाई चाहिए, एंगल नेगेटिव नहीं लिखे होता कभी, कभी एंगल देखा -4 डिग्री -5 डिग्री, समझ गया। तो भैया ये क्या 5, मेरे को साइड चाहिए, इसकी लंबाई कितनी भैया 4 है, सॉरी -5 है, और इसका बेस क्या है भैया 4, -5 किसी की हाइट देखी है आपने कभी, तो इसलिए, और ये क्या 4, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 5/4। देखिए भैया इनवर्स नाम की क्या चीज है, तो जब थीटा उधर की तरफ है, ये थीटा को छोड़ करके ये उधर जाता तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक दो क्लास रुक जाओ जब क्वेश्चन करेंगे इनवर्स का मीनिंग क्या होता, कोई दिक्कत तो नहीं उठा। ये 2D वेक्टर है, आप लोगों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना आ गया, नोट्स घर पे आके बना लो वरना भूल जाओगे सारा का सारा, बहुत आसान चीज है और बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं, हाँ सारा भेज रहा हूँ मैं तभी तो लिख रहा हूँ, ठीक है भैया। अब देखिए ठीक है, अब आता है 3D वेक्टर क्या होता है, और ऐसे वेक्टर कहाँ पे मिलेंगे आपको, स्पेस में जाना पड़ेगा, 3D वेक्टर मिलेंगे, समझ गया, 3D वेक्टर, 3D वेक्टर की बात कर रहे हैं, 3D वेक्टर कहाँ मिलता है भैया स्पेस में, चलो कहाँ चलते हैं स्पेस में, और स्पेस होता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है, ये है 2, 4, 6, ये है वेक्टर आपका, चलते हुए आप ये जो टेढ़ा मेढ़ा वो रास्ता आपने लिया, और जो स्ट्रेट लाइन है वो वेक्टर है, क्या है वो वेक्टर OA, बताओ OA वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, एक्स के अंदर कितना चेंज आया 2,
क्या लगाऊं आई क्या, मतलब इस वेक्टर के पास एक्स के लॉन्ग मैग्नीट्यूड क्या है, दो है ठीक है भैया। अब एक्स बोल दिया तो डायरेक्शन तो एक्स ही होगी ना। वाई के लॉन्ग कितना भी चेंज आ भैया, चार जगह और सिक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का, तो भैया इसकी लंबाई निकाल लो, लंबाई वही आएगी, दो का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, छह का स्क्वायर, 36 36 24 का हो जाएगा आपका 50 50 और चार का 54, 54 आ गया ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन भैया इस केस में जो होगी वो इन तरीकों से निकाली नहीं जाएगी, डायरेक्शन निकालने के लिए स्पेशल तरीका होगा इसका ठीक है भैया। वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी तो मैं टाइप ऑफ वेक्टर की ही बात कर रहा ठीक है। ये वेक्टर एक पहला एग्जाम्पल था, एक्स वाई बताओ, इस वेक्टर को लिखो ओबी वेक्टर को, बताओ क्या होगा, क्या होगा भैया ओबी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा, -2i क्या 4j क्या प्लस मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया, √52 4 ठीक है भैया। डायरेक्शन अभी निकाल नहीं पाओगे आप ठीक है भैया, समझ गया, ये हो गया। क्या 56 56 आएगा, मैंने 54 बोला था ना, मैंने कुछ तो बोला ही नहीं, मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, मैंने नहीं बोला। तू अगीस वगीस पहन के आया कर ठीक है, ये सुसु सुसु निकल गया तेरा तो आफत हो जाएगी फिर यहाँ पे, समझ गया। तो ये हो गया भैया 1D 2D और 3D वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो समझ गया। अब भैया टाइप ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, थ्योरेटिकल चीज आ गई थ्योरेटिकल ठीक है। कितना टाइम अपने पास, तीन देखिए मिनट भैया सेव किया मैंने इसको, नहीं किया, चलो देखिए भैया। अब आते हैं भैया टाइप ऑफ वेक्टर पे, किस पे आते हैं भैया, टाइप ऑफ वेक्टर पे, बड़ा प्यारा पेज है खुला हुआ है, सम डेफिनेशन वेक्टर एलजेब्रा ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, ये भी टाइप ऑफ वेक्टर ही एक तरह से। पहला लिखा हो भैया इक्वल वेक्टर, क्या है भैया इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे, जो दोनों आइडेंटिकल हो, वेक्टर से इक्वल कौन कहलाता है, इक्वल कौन कहलाता है, जो आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल वही चीज होती है जिनकी हर चीज क्या होती है सेम होती है। अब दो वेक्टर इक्वल है तो क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे और उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं भैया, इक्वल वेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। तो कह रहा है भैया चुप रहा है, तो भी मैंने बताया तू क्यों बोल रहा है, वापस क्यों बोल रहा है, हाँ बिल्कुल कह रहा है इक्वल वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर को इक्वल कहेंगे जिनके पास सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होगी ठीक है भैया ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन भी क्या है सेम है, दोनों की लंबाई भी क्या है सेम है, लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब तो डायरेक्शन होती है, समझ गए भैया, इक्वल वेक्टर ठीक है, इक्वल वेक्टर ये हो गया। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो उसको, अपोजिट वेक्टर, नाम अनेक लेकिन चीज क्या है एक। तो नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है उल्टी। नेगेटिव वेक्टर्स डिफाइंड एज द अनदर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, यहां पर ए और बी दोनों क्या भी है एक दूसरे के नेगेटिव है उल्टे हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहां पर नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ इट रिमेन इक्वल टू इटसेल्फ,
नहीं समझे इसका मतलब? देखिए कह रहा भैया आप अपने बराबर, आप अपने इक्वल होगे, नहीं समझे? मैं कहूं कि आपके बराबर कौन होगा तो आप खुद होगे, आपके इक्वल कौन होगा तो आप खुद होगे। ऐसे ही अगर कोई एक वेक्टर है तो उसका इक्वल वेक्टर क्या होगा? वो खुद होगा। वही लिखा हुआ है कि अगर किसी वेक्टर को आप खींच दीजिए तो उसके बराबर का वेक्टर वो खुद होगा। समझ गया भैया? समझ गया? अगर मैं कहूं कि तुम दोनों जुड़वा भाई हो, ठीक है, तो वैसे तो होगी नहीं, तू एक काला चितकबरा सा है, तू जिराफ जैसा है, ठीक है। तो इक्वल मतलब हर चीज, अगर उसके यहाँ पे दाना है ना तो उसके भी यहाँ पे दाना होना चाहिए, उसकी नाक भैरी है तो दूसरे की भी क्या होनी चाहिए, उसी में उसी पैटर्न में उतनी ही नाक निकलनी चाहिए। समझ गया? इसे क्या कहते हैं? इक्वल। इक्वल कांप क्यों रहे हो? कभी किसी ने कंधे पे हाथ नहीं रखा क्या? ठीक है भैया, ये हो गया आपका इक्वल। हंस रहा देखियो, हंस रहा, ये मार्क्स लगा के आता है, बीच में बातें करता है, मुझे पता है जो मार्क्स लगा के आता है। अब क्या मार्क्स लगाने की जरूरत भाई? अरे एक ही बात है, ठीक है, यही बोलते हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है उसकी, सॉरी प्रोनाउंसिएशन यही है। ध्यान दीजिए भैया, बेटा ये ध्यान रखियो, अगर तेरी प्रियांशु तो ये कह रहा हूँ दीवार में कहाँ देख रहा, तेरे पीछे कोई नहीं, छुट्टी रंशी तेरी। समझ गए भैया? तो ये इक्वल वेक्टर हो। अगला भैया मॉडुलस ऑफ वेक्टर, क्या है भैया? मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या होता है भैया? मैग्नी ऑफ वेक्टर निकालना होता है भैया, मतलब वेक्टर की लंबाई की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ